हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर ही हार्बर ब्यूटी पार्लर। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर, मैं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और लाइक करें, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा तरीका जिससे आपके बालों में जो कैरेटिन की कमी, प्रोटीन की कमी हो गई है, उनको प्रोटीन को कैसे वापस लाएं। तो हम ज्यादातर हमने देखा होगा कि केमिकल वगैरह का यूज करने से, स्ट्रेटनिंग कराने से और प्रेसिंग कराने से, रोल वगैरह, हेयर स्प्रे वगैरह से बाल जो खराब हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है, बाल रूखे बेचैन हो जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए मैंने एक होम रेमेडी बनाई है। उसके लिए हमें बस कुछ ही घर की चीजें हैं जो आसानी से हमारे घर पर मिल जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है प्याज। प्याज हमें ऐसा प्याज लेना है जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये रेड प्याज है, हमें रेड प्याज लेनी है। इसका हम रस निकालेंगे। इसका रस मैंने पहले से थोड़ा निकाल के रखा हुआ है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए इस प्याज के रस में हमें घर का बना हुआ दही जो हम घर पे बनाते हैं उस दही को हमें लेना है। दही एकदम ताज़ा फ्रेश होना चाहिए। अब इस दही को हम इस प्याज के रस में मिक्स करेंगे। दो तीन चम्मच दही मिक्स करेंगे, ध्यान रहे 4-5 चम्मच प्याज का रस भी होना चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे ये काफ़ी पूरा मिक्स हो जाए, प्याज का रस और दही दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और हमें बालों में इस तरीके से इसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। बालों को एकदम से कंघी करना चाहिए, एकदम से कोई भी आप कुछ भी एप्लीकेशन कर रहे हो, कुछ भी चीज़ लगा रहे हो तो बालों को पहले अच्छे से कंघी करें। कंघी करने के बाद हमें आराम आराम से बालों की पहले जड़ों में लगाना चाहिए, जड़ें पूरी जड़ों में हमें लगाने के बाद, जो जड़ें होती हैं उनमें लगाने के बाद फिर हमें बालों को इस तरह से लगाना चाहिए। थोड़े थोड़े बाल लेकर इस तरह से पूरे बालों में, बालों को स्ट्रेट रखते हुए पूरे बालों में हमें लगाना है, पूरे बालों में इस तरह से हमें लगाना है। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी लेयर, पतली पतली लेयर लेके हमें पूरे बालों में इस तरह से बालों में अप्लाई करना है। ये देखिए, ये आसानी से हम अपने बालों में लगा सकते हैं इसको। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं आएगी ज़्यादा। दही मिक्स है इसलिए प्याज की स्मेल भी हमें ज़्यादा नहीं लगेगी और बालों में अच्छे से हम इसे अप्लाई कर लें। इससे अगर आपके बाल दो मुए भी हों तो इसमें 2 चम्मच शहद ऐड कर लें। उसके बाद हम ऐसे करने के बाद बालों को 1 घंटे तक हम इसे ऐसे ही कंडीशन में बालों को छोड़ देंगे। लगाने के बाद जब सारे बालों में लग जाए तो उसके बाद हम 2 घंटे या 1 घंटे, जैसी भी आपके पास टाइमिंग हो उस हिसाब से कम 1 घंटे इसको हम लगाए रखें। 2 घंटे भी लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम लगाना की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा काफ़ी रहेगा इसके लिए। उसके बाद हम बालों को सादा पानी से हम वॉश कर लेंगे। सादा पानी से वॉश करने के बाद हमें शैम्पू नहीं करना है क्योंकि शैम्पू में केमिकल होते हैं। अगर हम ये कैरेटिन, ये जो हमने कैरेटिन पैक बनाया है प्याज का रस और दही, इससे हमें एक कैरेटिन पैक मिल रहा है। अगर हम केमिकल वाला शैम्पू यूज़ करेंगे, शैम्पू करेंगे तो ये धुल जाएगा, इसलिए हम इसके पास शैम्पू नहीं करेंगे। शैम्पू करने के, अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हो रही हो शैम्पू करने की या आपको कहीं जाना है तो आप ये वाला शैम्पू, ये जॉनसन्स बेबी शैम्पू से हल्का सा आप वॉश कर लें।
क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होते, ये सॉफ्ट रहता है, इससे केराटिन नहीं निकलेगा आपके बालों का। जो हमने केराटिन पैक लगाया है वो प्रॉपर उसका पोषण नहीं निकलेगा। अगर आप नॉर्मली शैम्पू लगाएंगे वो केमिकल से आपका केराटिन बालों का तुरंत ही धुल जाएगा और कोई असर नहीं दिखेगा, कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। इसलिए हम जॉनसन्स में भी शैम्पू, अगर ज़रूरत महसूस हो उस दिन तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ करें, वरना आप दूसरे दिन एक दिन का गैप देके, या आप जैसे आपने सुबह ये केराटिन पैक लगाया है तो शाम को ऑयलिंग, हल्का ऑयलिंग करके उसके बाद कोई भी ऑयल जो आप मसाज करते हो या फिर हेयर ऑयल कोई सा भी लगाते हो उसको लगाने के बाद दूसरे दिन शैम्पू करें। इस केराटिन पैक को लगाने के बाद पानी से एक घंटे बाद या एक डेढ़ घंटे बाद आप वॉश कर लें, उसके बाद शाम को आप हेयर ऑयल की मसाज करें, उसके बाद आप दूसरे दिन शैम्पू करें। अगर आपको उस दिन कहीं जाना है तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके बाल दो मुए नहीं होंगे, बालों में केराटिन प्रोटीन की कमी नहीं होगी, इससे आपके बाल में रूखापन नहीं आएगा, सॉफ्ट होंगे, स्मूथ होंगे, ऐसा मन करेगा जैसे आप अपने बालों को छूते रहें, और शाइनिंग और जो हाईलाइट वगैरह से बाल खराब हो जाते हैं, केमिकल से ड्राई हो जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। आपके बालों में बहुत फर्क, आपको दो बार लगाने में ही आपको फर्क दिखेगा। और इसमें प्याज का रस ऐड है, दही ऐड है, तो इसमें सिर की स्केल में जब आप लगाएंगे तो आपका डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा और हेयर ग्रोथ, आपको तो पता ही है प्याज से, प्याज हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अनियन ऑयल आप लेने जाएंगे मार्केट में, काफ़ी कॉस्टली आते हैं लेकिन उनसे कोई रिजल्ट नहीं आता, ये हम अपने घर पे बना के इसका हम यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।